रहमान रहीम। सबील फाउंडेशन मीठे और साफ पानी की फराहमी के लिए हमेशा कोशिश रही है। आज हम जिला उकाड़ा के एक गांव में मौजूद हैं, जहां पर ये वाटर पंप लगाया गया है। हमारे भाई हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब की तरफ से दिया गया ये वाटर पंप आज यहां पे लगा दिया गया है। और यहां लगाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि ये अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। बैकग्राउंड में यह कब्रिस्तान है। अहले इलाका का कहना था कि यह खासी मुश्किलात का सामना था, ख़ास तौर पर जब जनाजे के लिए वजू करना होता था, खासी मुश्किल पेश आती थी इनको। इस मकसद के लिए यहाँ पर ये लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर वजू करने में आसानी हो। इसके अलावा इस तरह मैं दिखाऊंगा, मेरे इस तरह पीछे ये गांव है और ये सड़क यहाँ से गुजर रही है, तो ये गुजरगाह है लोगों की। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी के इस मौसम में मुसाफरों के लिए भी ये पानी काम आएगा। गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ से पानी हासिल करेंगे, गांव के लोग यहाँ से पानी हासिल करेंगे और यहाँ पर कब्रिस्तान में आने वाले जिन्हें वजू की ज़रूरत है जनाजे के लिए, वो भी यहाँ से पानी हासिल कर सकेंगे। हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब की तरफ से दिया गया तोहफा यहाँ पर इन गांव वालों को फराहम कर दिया गया है। आइए आप हमारे साथ चलते रहिए और इसी तरह हैंड पंप या वाटर पंप डोनेट करते रहिए ताकि लोगों को साफ और मीठा पानी फराहम किया जा सके। आइए इस नेक काम हिस्सा लीजिए और जज़ाए खैर हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लि व सल्लि अलैहि। या रब्बुल आलमीन, हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब ने ये वाटर पंप का तोहफा दिया, आज हमने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ से लोग पानी पियेंगे। ऐ मालिक मौला, हर पानी के कतरे के बदले में इसका सवाब हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब को अता फरमा। अल्लाह करीम, उन्होंने मरहुमा जाहिदा की वालदा को ये इशारे सवाब किया है। पानी के हर कतरे का सवाब मरहुमा जाहिदा साहिबा की वालदा को अता फरमा। अल्लाह करीम, इन्होंने लोगों को पानी पिलाया, तुझे करबला वालों का वास्ता। मालिक मौला, हमारे भाई हाजी इश्तियाक साहब को कल मैदान महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आबे कौसर पीना नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला, इन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक ये नेक काम किया है, तो अपनी कुदरत कामला के लायक इनको अजर अजीम अता फरमा। इनके ख़ानदान की खैर फरमा, इनके बच्चों की खैर फरमा और सदा इनको यूं ही इंसानियत की खिदमत करने की ताकत तौफीक और हिम्मत अता फरमा। लोग जब तक यहाँ से पानी पीते रहें, इसका सवाब इस ख़ानदान को मिलता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आपने हाजी इश्तियाक साहब ने ये कि ये कोशिश से और सबील फाउंडेशन की जानिब से हमें ये वाटर पंप और ये टैंक की सप्लाई मुहैया हुई है, तो यहाँ बहुत मुश्किलात थी, बहुत गर्मी थी शदीद और आसपास में यहाँ पे कुछ इस तरह पानी का इंतज़ाम नहीं था। जो जनाजगाह पे इधर आते थे लोग और पानी की मुश्किलात उनको ज़्यादा थी, तो ये अब वाटर पंप है जो चल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं और पानी को इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गर्मी का मौसम था, पानी के एक एक कतरे और एक एक बूंद को लोग तरसते थे, लेकिन आपकी ये कोशिश काविश ने हमें इससे महरूम होने से बचा दिया। आपके हम शुक्रिया और मेहरबानी, जिस तरह आपने हमारे साथ ये तावन किया और सबील फाउंडेशन की जानिब से, तो हम उनका शुक्र गुजार हैं। हाजी इश्तियाक साहब, तुहाडा शुक्रिया, मेहरबानी, तुसी सानू पानी दिता, इत्थे सहूलत हो गई। असी बड़े परेशान होंदे सां वजू करन तो भी, पानी पीन तो भी, मीठा पानी तुसी दिता, तुहाडी मेहरबानी। आप देख रहे हैं यहाँ साथ वजू खाना बना दिया गया है, लोग यहाँ पे वजू करेंगे और जनाजगाह में इनको मुश्किलात जो पेश आती थी वो अब दूर हो गई हैं। यहाँ पर जब जनाजगाह में जनाजा लेकर आते थे, पानी की कोई सहूलत मैसर नहीं थी और इनके लिए वजू करना खासा मुश्किल हो जाता था, लेकिन हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब की खसूसी मेहरबानी जिन्होंने ये हमें अतिया दिया और आज यहाँ पर वाटर पम्प लगा दिया गया है, साथ वजू के लिए जगह बना दी गई है। एक वक्त में 6 लोग वजू कर सकते हैं और जनाजगाह में वजू की सहूलत भी असर आ गई है। साथ में ये रास्ता है, सड़क गुजर रही है, लोग यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिर हज़रात पानी पियेंगे और हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब को दुआएं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई हाजी मोहम्मद इश्तियाक कादरी साहब का तोहफा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।